एक तरफ सरहद है, दूसरी तरफ शत्रुंजय। एक तरफ आतंकवादी है और दूसरी तरफ अतिवादी। दोनों से सबको चिंता है, लेकिन ये कोई नया नहीं है। जैसे देश में कोई हमला या दूसरे इंसिडेंट होते हैं, तब हमारा हो हल्ला बढ़ता है, आक्रोश बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है। वैसे ही शासन में कोई घटना इंसिडेंट बनता है, तब हमारा भी आक्रोश के साथ तीर्थ भक्ति का वेग उछाला मारने लगता है। इनो का पैकेट पानी के ग्लास में डालने से जिस तरह की स्थिति बनती है ना, वैसा ही कुछ। सदनसीब से इस बार वातावरण ठंडा होने से पहले कुछ अच्छे स्टेप लिए गए हैं ऐसा लगता है। पालितना के विषय में दोषी कौन है, इस सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए दूरबीन का उपयोग न करके दर्पण आईना हम खुद को दिखाएंगे तो स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी। सच बोलो तो अपनी चिंता भी कहां तक, मोबाइल में एक आध वीडियो देखकर दूसरा वीडियो नहीं आए तब तक। पालितना के बाद पाकिस्तान आए तो पालितना गायब। आत्मनिरीक्षण की क्षण है। दोषित कौन, डोली वाले, गन्ना रस वाले, लॉरी वाले, रिक्शा या घोड़ा गाड़ी वाले, या खुद हम? उन सब के लिए तो पालितना या शत्रुंजय श्रद्धा का नहीं धंधा का केंद्र है। उनके पास क्या अपेक्षा रख सकते हैं? तीर्थ अपना है तो जवाबदारी भी अपनी, प्रभु अपने तो परिस्थिति भी अपनी। तकलीफ क्या मालूम है हमें? हमने ही हमारी यात्रा को वीआईपी यात्रा बना दी है। हमने ही हमारे पालितना को पर्यटन स्थल बना दिया है। हमने ही होटलों को टक्कर मारे है, ऐसी धर्मशालाओं की लाइन खड़ी कर दी है। हमने ही रात को खाने पीने की लॉरी गल्लों में खड़े होकर खाने की आदत है ना, उसको पालितना में जाकर कंटिन्यू किया है। हमने ही पूजा की जोड़ों से लेकर पालितना के पेंडों की महिमा बढ़ाई है। हमने ही दही वालों को मासी बनाकर असामाजिक तत्वों को बाप बना दिए है। हमने ही बटुओं से लेकर बादाम तक के बाजार बढ़ाए हैं। ये सब हमारी ही डिमांड थी और आज हम ही खुद रिमांड पर हैं। खैर, इस बार पूज्य गुरु भगवंतों ने अधिकार पूर्वक आदेश किया है। हमारी पर्सनल सोच पूज्य गुरु भगवंतों के आदेश के आगे कुछ नहीं है। जब सारा संघ चिंतित है, तब भी कई ऐसे लोग हैं जो निश्चित हैं, जिनको या तो हालात की खबर नहीं, या तो उनको शत्रुंजय हमारा जिन शासन अपना लगता ही नहीं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जिन गुरु भगवंतों और आयोजकों ने अनुष्ठान चातुर्मास जैसे आयोजन कैंसल रखे, उनको सच में खूब खूब धन्यवाद। हमारी कई फरियादें होती है, जैसे पेड़ी कुछ करती नहीं, स्टाफ विचित्र है, डोली वाले गाली बोलते हैं, थूकते हैं, अपमान करते हैं, दादागिरी करते हैं, रिक्शा वाले रिक्शा अपनी धुन में चलाते हैं, गाय और घास वाले गंदगी करते हैं, किसी को किसी की पड़ी ही नहीं, जैसे अनेकों कंप्लेंट हमारी रहती है। लेकिन हमसे तो, हमारी प्रवृत्ति से तो तीर्थ को नुकसान नहीं हो रहा है ना, पहले ये सोचें। एक और खास बात, मैं और आप पालितना की यात्रा बंद नहीं करेंगे, और ज्यादा करेंगे, लेकिन सही तरीके से करेंगे। हमारे भोजन के लिए भोजनशाला और पाता काता है। अब तो कई भाग्यशालियों ने अपने संतानों के लिए अपने यंगस्टर्स और कहीं न जाए, इसलिए उनको जो भाता हो वैसे खाने की व्यवस्था भी अपने धर्मशाला में कर दी है। तो हम रास्ते में खड़े खड़े क्यों खाए? खरीदी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए पूरी दुनिया है। पालितना में तो शॉपिंग बंद करें, नहीं चढ़ पाए तो टलेटी पर बैठकर भक्ति करेंगे, लेकिन डोली में तो यात्रा नहीं करेंगे। ऐसी मक्कमता तो हम लाएंगे। हमारा बहिष्कार तीर्थ का नहीं है, तीर्थ के दुश्मनों का है। अब चौगाव की यात्रा, फागन फेरी का यात्रा का दिन आ रहा है, हमारी परीक्षा है। अगर हम तीर्थ और हमारे प्रभु को चाहते हैं, तो डोली वाले, दही वाले, सामान उठाने वाले, लॉरी वाले, नींबू शरबत वाले, भेल वाले या गन्ना रस वाले के भरोसे या सहारे हम यात्रा नहीं करेंगे। हम श्रीफल या तो घर से लाएंगे, नहीं तो हमारा हृदय चढ़ाएंगे।
बहुत कम शब्दों में पूरी बात समझनी हो ना, तो एक बात याद रखना, जो संवत्सर या पर्युषण के दिनों में नहीं होता है ऐसा कोई भी कार्य शत्रुंजय की हमारी यात्रा के दिन हम नहीं करेंगे, बस इतना सोच ले। चलो देखें किस तरह का वातावरण बनाते हैं फागुन सुद तिरस को।